कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, शिवराज सिंह का झूठ एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने गरीब उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की बात कही थी, लेकिन बिल माफी की बजाय 1 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं के बिलों की राशि सिर्फ टेम्परेरी तौर से स्थगित की गई है। एक फूटी कौड़ी का बिल भी माफ नहीं किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिजली बिलों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की गरीब जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के नौगांव में एक कार्यक्रम में जनता से कहा कि मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जनता से पूछा तो जनता ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तभी शिवराज ने मंच से घोषणा की कि मैं गरीब जनता के, जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल भी मैं भरूंगा, अर्थात शिवराज सरकार भरेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल माफी की बजाय 1 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं के बिलों की राशि को टेम्पररी तौर से स्थगित कर दिया गया, मतलब उपभोक्ता का 1 पैसे का बिल भी माफ नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया है, और एक सनसनीखेज खुलासा है जो बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के नौगांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के, जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।